कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार करने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल को दूसरे मरहले के तजुर्बे की मंजूरी हासिल हुई है, जो 7 सितंबर से शुरू होगा। कोवैक्सीन नामे वैक्सीन के दूसरे मरहले के तजुर्बे की इजाजत ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। क्लिनिकल ट्रायल्स का पहला मरहला कामयाबी के साथ अंजाम पाया। ट्रायल्स का दूसरा मरहला पीर से मुल्क भर में शुरू होगा। भारत बायोटेक ने दूसरे मरहले के तजुर्बे के इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए हैं। इंसानों पर किए जाने वाले ये तजुर्बे इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया ICMR के जरिए मुंतखब करदा 12 मराकज पर पूरे मुल्क में होंगे। मालूम हुआ कि पहले मरहले के तजुर्बे में 50 रजाकारों को वैक्सीन की 2 खुराकें दी गई। पहली खुराक देने के 14 दिन बाद बूस्टर खुराक हर एक को दिया गया। उनके खून के नमूने भारत बायोटेक लैब के साथ साथ पुणे में वायरोलॉजी लेबोरेटरी ICMR को भेजे गए थे। इन 50 अफराद की सेहत की सूरत हाल पर तकरीबन 6 माह तक निगरानी की जाएगी। दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर निम्स में 100 रजाकारों पर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएंगे। बताया जाता है कि 18 से 65 साल की उम्र के सेहतमंद अफराद को रजाकार के तौर पर मुंतखब किया गया है। उनसे जमा करदा खून के नमूने दिल्ली में ICMR से मंजूर शुदा लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं। इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स का तीसरा मरहला शुरू होगा।